दीपिका पादुकोण लग रही 5000 रुपया हुए देवा। राम प्यारे फुग्गे पे खेल के टूट गए। बीड़ी पे बारी वाने ये कह रहे मात्रिया बात जमाई थी। सो हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। तो स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में और नई एनर्जी के साथ और चिल्ला चिल्ला के ब्लॉग बनाए रहे, ठीक है। तो आज हमारे शूट का फर्स्ट डे होने वाला था, लेकिन फैजल भाई आए नहीं, लेट हो गए, 1 बजे आए तो शूट आज लग नहीं पाया। अब शूट लगेगा कल से हमारा, और क्या बोलते हैं, और जल्दी से जल्दी वीडियो आप लोगों के सामने होगी। प्यार बनाओ, मोहब्बत बनाओ, बताओ कैसी कहा लगा, और एकदम बेहतरीन बेहतरीन डायलॉग, हर चीज नेक्स्ट लेवल लेके आए चाह रहे हम। वो चीज जो पुरानी है वो हम नहीं दिखाए चाह रहे। मेहनत तो लगे है, और ये बंदा इस बंदे की वजह से भैया तो लेट कौन भाव भाव कौन भाव कौन लेट मुझे बताओ। हम तो बिल्कुल टाइम से 11:30 बजे। तुमने कहा बोली थी हमें जब बताओ, तुमने जब बोली थी कि कल सुबह आ जाए, मतलब सुबह कल शूट लग जाएगा। हाँ फिर सुबह में 1 बजे आए तुम। बाबू जी ने आई लव यू भेजी बाद ना, फिर बाद ना तो मैसेज नहीं करो, कहाँ है हमें नंबर डिलीट तो ना करो बाबू जी को। हाँ यार हम कल खाते मतलब हमने खुद ही बता देंगे तो? मतलब इनने नहीं बताई तो इनने जा गए, आओ चले आओ हमारे दुकान बनाए कोई हो तो ले लो। हम मैसेज की बात करे मर ही गए, मैसेज करता हूँ, हमने मैसेज करो ही नहीं ना। आज का क्यों है, आठ दफ़ा देना। So guys, जैसे कि आपको पता है हमारी भैंस भी आई गई थी कल, परसों आई, कल भी आई गई, तो डबल खुशखबरी मिली। और फटा पेफी खाओ और हम खा रहे हैं वेहू। अजय देखो हमारे छोटू सो गुड्डा प्यारो 9% कैसे बैठो है, और यहाँ पे हमारी भैंस और मच्छर देखो कितने सारे हैं। जो भगावे के लिए हम दवाई ली, तो यहाँ पे ये टीन डाल रही थी, हम कल लेके आए थे भैंस की छाया के लिए, और मम्मी यहाँ पे लगा रही सानी, और हमारी ये प्यारे से बुल्ला ओ ओलू 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 ओलू। देखो मक्खी कितनी है, बोलू बाबू ओलू ओलू मेरा बच्चा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बाबू। यहीं बैठो हैं, आ सो जा। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं नाली के साइड, और नाली के साइड थोड़ी रील वील शूट करें एक दो अच्छी अच्छी। शूट तो आज लगा नहीं, तो शूट तो कल ही लगेगा। खाना पीना आज खाओ नहीं है, पता नहीं तबीयत खराब है, जुकाम बुकाम चल रहा है आजकल, तो वही हमें हुआ है। क्या हो जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में उनके आंसू तू चली आती है। अर्जी देखो कुआ मेरे घर है, फटा पे चुका खरी मोड़ी जाते भाई फिर रात्रिया आप ये कह रहे रात्रिया बात जमाई थी। अरे यार कोई चीज जड़ ही नहीं है, उसकी कहाँ निकाल दो बताओ। हम तो निकाल दिया, यहाँ तक निकाल दिया, तुम यहाँ निकाल दिया, ये निकल सकता है। अरे मलरिया बात जमा दी, अरे लल्लू भैया एक तो ये हैवी आदमी डर, अच्छी लग रही यार मुकंदरे यहाँ नहीं है लगा सोयाबीन की है, सोयाबीन मेरे यहाँ नहीं है भैया। ये मका है, ये थोबड़ा देखो, ये मोह तो देखो देखो जी हाल है, देखो मोह लिफी ने फिर पहले ही बीड़ी का पीने लगे यार। अरे पकड़ा ये मैं काम हो गया, देख देख। तो गाइस यहां पर झगड़ा हो चुका है, कर रहा वाला किधर गए वो देख रहा नहीं यार, कौन है वो रन ले यार, आ मट्टी घुस गई हुए बावे मेरी लग गई फोल्डर में यार, ले बुरे उठा नहीं, चल वीडियो बना, चल वीडियो बना, चल वीडियो बना, मिले अभी हो जाके तो भैया उगा रहे हो गए, और जी देखो रील फूट कर भी आए, तो रील फूट कर ली, अब घर चले बीड़ी पे बाजी फाने रील के चक्कर में, माफ करू हो बेटा है, और इसकी शादी के इससे जो शादी करेगा एक बंगला है, और इसके पास एक बच्चा है, और 2.5 करोड़ रुपए की इसकी संपत्ति है। अगर जो भी इससे शादी करेगा मैं ऐसी दे दूंगा। जो कोई भाई हो तो कमेंट करके जरूर बताए इससे शादी करे, कोई लड़की लड़की होना चाहिए, गोरी हो या काली हो, खसी दे खसी मर मरे कान से सिल्की है बोलो बोले ना, कम नियर कम नियर बोलो बोलो, हमारा डायलॉग बोलियो, दांत दिखाओ पहले, दांत दिखाओ, दिखाए दे वीडियो में, दिखाए दे दांत, दिखाए दे बेटी है अच्छी लगती तुम, दिखाओ दिखाओ, और ऐसे ऐसे दिखा, ए खुड्डी है तू, है खुड्डी है, खुड्डी खुड्डी लड़की, खुड्डी लड़की, डायलॉग बोलियो राम प्यारे वालों,
तुम बोलो बोल दो बोलो वीडियो में आया रे तुम इधर बोलो जब कैमरा में देख के बोलो यानी बोलो तेज बोलो अरे तो गाती वीडियो रे बोलो बोल दे बोल दे बिटिया तुम मेरी कसम बोलो तेज बोलो तेज बोलो अरे कसम खवाए दे यार हाँ बोलो बोल जल्दी बोलो यार एक घंटा हो बोलो राम प्यारे फुगे तेज गाओ तेज तेज गाओ जाम दे तेज गाओ मामा तो मेरी कसम हो तेज बोलो तेज बोलो तो मेरी कसम हो बोलो तेज तेज बोलो तेज बोलो तो मेरी कसम हो तेज बोलो बोलो नहीं बोलियो ठीक है मत बोलो कसम खा वीडियो साहब बोलो राम प्यारे फग गए खटिया नीचे दग गए जब बोल रही थी हाँ बोलो तुम क्या कह रही डिमांड है कुछ तुम्हारी है तुम्हारी कुछ डिमांड है बोलो ना डायलॉग कसम खवाई तो हुए ठीक है मत बोलो सो गाइस नहा धो के हम तैयार हो गए हैं और आप बिलीव नहीं करोगे आज हमने 10 दिन बाद नहाया है। हम गए थे कहीं तो मैंने वहाँ पे मंगलवार को नहाया था तो कल मंगलवार था बट मैंने आज बुधवार को नहाया है। ये मैं सोची वो गंदे हैं गंदे नहीं है दिल से इंसान साफ होना चाहिए ऊपर से नहीं एम आई राइट सही कह रहे आदमी दिल से साफ होना चाहिए ऊपर से कुछ नहीं ऊपर से तो महफी कुत्ते बना ले कपड़े गंदे मैटर नहीं करते हैं। तो चलो अभी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को जो हम शॉपिंग करके लाए थे कम से कम 40-45 हज़ार रुपया की हुई थी तो कपड़े तो हमने लोगों को कैसे कहा है कैसे कहा नहाए हम आए रंजना सबके ठीक है आया मम्मी कपड़ा कहाँ निकाल रही हो कपड़ा मम्मी कहाँ रखो बैग तो जीरो हमारे बैग जाम है शॉपिंग करके लिया इसको आया तो देखें अभी आपको दिखा रहे हैं हम अपन रंजना की वीडियो बनाए हैं तो चार तेरह थोड़ा बने हटा बाफ हटा जी कपड़ा दिखाया तो यही है ये मुझे नो डिस्काउंट मिली है मुझे फ्रांस गया कोई डिस्काउंट नहीं मिले देखो जी देखे 5,000 49.99 और दिखा और एक देखो ये सेट है जी दो चीजें बहुत महंगी हैं एक देखो फैट है जो फ्रांस की है और ये पहने तो मैं देखें कितनी गजब लग रही और जा कीमत है 3500 रुपए तो भैया मामा वाली देखो जा कीमत है देखो 3499 3500 रुपया की सेट है हाँ है फैट कपड़ा देखो पैंट लेके आए हैं जो एक 3000 की जा 2000 की है जा जो 1500 की जो 1500 की और एक हम जी अपने लिए जैकेट ले आए वो एक जैकेट है और जैकेट की कीमत है आई थिंक 3300 रुपए सही मिली सही है लगी थी तो सबसे महंगे कपड़े आए रंजना की देखो रहे भैया ये कब ग्रीन के लिए 3500 पड़े कहां है बता है ब्लैक वाली ये रही ये तीनों मिलाएंगे जी 2500 रुपए की इनर है देखो जो 2500 की है और जी काफी पेट पर फार्म 10000 रुपए लफ के पड़े जी बताइए इनमें कितनी है भैया कपड़ा बढ़िया है यार कपड़ा बढ़िया बताए ले आते थे ₹40,000 कहाँ डाल ली मैं ए लड़की चुप बैठ ले तू मामा मामा वाली पापा तो मामा कह रही देख घूर के फेरी देख शीशा में देखो तब देखो मामा चेकआउट कर रहे जैकेट है ना मस्त देखो जी तो हीरोइन बनी है हीरोइन लग रहा है मामा सबसे महंगी चीज अच्छी चीज मुझे लगी अभी तक चश्मा और लगा ले तब देख हीरोइन ही लगे उठा ले मेरे पास चश्मा नहीं लगा मेरे चश्मा उठा ले गाइस इतने कपड़े इतने महंगे 40-45 हज़ार रुपए की शॉपिंग कर डाली मैंने बाद में 50,000 की मान लो करिए और लगा रखिए और हीरो नहीं लगे हीरोइन अरे गिराए दो वहीं में रखिए चश्मा जो मैचिंग होगा मैचिंग देखिए लग रही आई साहब मारू
इतना बाहर निकल गया, हीरोइन बनी हीरोइन। दीपिका पादुकोण लग रही है आलिया भट्ट ना हैंगी जाके ना, वाह हीरोइन। बताओ गाइस कैसे लोगों जो सूट कंजना दी को आप लोगों को लग रहे ना हीरोइन बेहतरीन सब नहीं देख जी देखो है ना गजब, मैं हूँ पढ़ू लेकिन मस्त है। बताओ गाइस ड्रेस कैसी लगी आप लोगों को रंजना दी की, और लाइक करो फटाफट अच्छी लगी हो तो, महंगी है बोलू 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 तो उतार दो फटाफट। किन से बात कर रहे मम्मी है, मम्मी से बात कर रहे लग रही वाह मार लग रही है हमारे लूज हुई है थोड़ी टाइट हो रही और कुछ ना है। इधर आप फोटो खींचा तो मामा भानेज की जोड़ी भांजी की जोड़ी, जल्दी में कपड़े उतार दे तुम ठीक है चलो आप कपड़े उतार दे फटाफट, चश्मा रख दे भाई में जहाँ रखो तहाँ डिबिया में लगा के ठीक है। सो गाइस सब देखते हैं मुझे आते हैं कहाँ कर रहे लड़े तो मम्मी धुना भी नहीं मिलेगी जब तक भैंफी आई तब तक मम्मी जगह मेरे पैर ना तो भैंफी आई तब तक यहाँ पर प्रश्नों कुटनो चल रहा है। सो गाइस अभी समय हो रहा है 6:15 बज गए और हम जा रहे हैं करैल थोड़े कुछ घूमने के लिए, कल सूट लगे कुछ खा पी के आ रहे हैं, नहा दो रेडियो का सर्दी लग रही है तो टोपा लगाए लोग। चलो चलते हैं लेट्स गो, देखते हैं कौन कौन चलता है।